मैं अपने बालों में बहुत कुछ करती हूँ फिर भी मेरे बाल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। कुछ भी कर लो यार, बाल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हेलो मी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि आजकल मेरी थोड़ी वीडियो के लिए जो भी मेरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब मेरे घर पे रह गए हैं। और अभी अभी आप लोगों को पता ही होगा मैंने दिल्ली में शिफ्ट किया है, इसलिए आप थोड़ा इसके साथ बेयर कर लीजिएगा। दोस्तों आज के टॉपिक के लिए मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत लोगों ने कहा था कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत पतले हैं, बहुत रफ़ हैं, बालों में बिल्कुल जान नहीं है, हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए आप एक होम रेमेडी बताइए। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो मैंने कहीं देखी थी और मैंने इसे अप्लाई किया, मुझे इफ़ेक्टिव लगी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये होम रेमेडी आप सभी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ किए आप सभी के घर में इजीली अवेलेबल होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे बालों में ये प्रॉब्लम क्यों होती है, हमारे बाल इतने टूटते क्यों हैं, इतने झड़ते क्यों हैं, रफनेस क्यों है, हमारे बालों में शाइनेस क्यों नहीं है। दोस्तों अक्सर क्या होता है, हमारे बालों में प्रोटीन नहीं होता और प्रोटीन की कमी से ये सारे सिम्टम्स हमको दिखते हैं। प्रोटीन की कमी हमारे बालों पे कैसे होती है? सबसे पहले इसका मेन रीज़न है हमारे बालों में हाई पोरोसिटी होती है। हाई पोरोसिटी बहुत सारी चीज़ों में अच्छी भी होती है पर कुछ कारणों से ये गलत भी होती है। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, हम सीरम लगाते हैं, हम कंडीशनर लगाते हैं, हम टाइम से टाइम ऑयलिंग करते हैं, पर जैसे ही हम लगाते हैं उसके एक दो घंटे के बाद आप देखते हैं कि आपका स्कल्प है ना बहुत ड्राई हो गया है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके जो हेयर है उसमें हाई पोरोसिटी है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न है दोस्तों हमारे हेयर की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ये दोस्तों हम हेयर में हीटनिंग करते हैं, कलर करते हैं, कभी कभी डिज़ाइन करते हैं, उसकी वजह से ये रीज़न आपके साथ भी हो सकता है। तीसरा रीज़न है हमारे हेयर्स में लिम्स होते हैं। लिम्स होने की वजह से हमारे हेयर में स्मूदनेस नहीं रहती, सिल्कनेस नहीं रहती। तो दोस्तों आज जान लेते हैं कि हम क्या मेथड करेंगे जिससे हमारे हेयर्स में प्रोटीन आ जाए और हमारे हेयर्स भी स्मूद हो जाएँ, घने हो जाएँ, शाइनी हो जाएँ। तो दोस्तों अब जान लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर दिस मेथड। तो दोस्तों इसके लिए हमको लेनी है उड़द दाल, हमको एक बोल उड़द दाल लेनी है, उसको हमको पूरी रात सोक करने के लिए रख देना है। अच्छा दोस्तों उड़द दाल ना अवेलेबल हो तो आप ब्लैक कलर की उड़द दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। सीधा आपको मार्केट में जाना है, भैया को बोलना है हमें उड़द दाल दे दो, अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो आप काले छिलके वाली उड़द दाल का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सोक करने के बाद आपको इसको मिक्सी में डाल देना है और उसमें आधा बोल के हिसाब से कर्ड डाल देना है। जो कर्ड आपको पता ही होगा, कर्ड हमारे हेयर के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसमें आपको डालना है एलोवेरा। एलोवेरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश एलोवेरा था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। और आपको इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना देना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पेस्ट एकदम स्मूथ होना चाहिए, तभी उसका वो टेक्स्चर आएगा। तो दोस्तों अब हमारा ये पेस्ट रेडी है। आपको इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बता दूंगी, आपको साइड में दिख ही रहा होगा आपको इसको कैसे लगाना है। आपको राइट टू द स्टार्टिंग ऑफ योर हेयर्स, यहाँ से आपको शुरू करना है, पूरे जहाँ तक आपके हेयर्स एंड होते हैं वहाँ तक आपको इसको सिर्फ अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपको इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। जैसे ही ये ड्राई हो जाए तो आपको टैप वाटर से अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है। अच्छा दोस्तों इस चीज़ को आपको अप्लाई कितनी बारी करना है? आपको महीने में एक बार इसे अप्लाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे दो बार ही अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको करीबन 6 मंथ तक कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप यही रेमेडी बार बार करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ उड़द दाल के कितने फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो उड़द दाल रिच होता है न्यूट्रिशन में। दूसरा ये आपके हेयर में जो हेयर फॉल होता है उससे आपको बचाता है। तीसरा उड़द दाल यूज़ करने से अपने हेयर में आपके हेयर स्मूद और सिल्की बनते हैं। चौथा जो आपके हेयर में एक्सेस ड्राइनेस हो जाती है, आप अगर ये पेस्ट लगाते हैं तो वो ड्राइनेस बहुत हद तक रिमूव हो जाती है। तो दोस्तों आज की होम रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैं तो इसे यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। बाय, वापस मिलूंगी ऐसी एक होम रेमेडी के साथ।